वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के थ्योरम नंबर 48 को, जो चैप्टर नंबर 18 में है और पेज नंबर 255 में है। आप सभी याद रखें कि चैप्टर नंबर 18 में जो है सिर्फ यही एक थ्योरम है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और बाकी जो भी है वो सभी ऐसे ही मैथ्स है। तो ओनली ये एक थ्योरम है। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप सभी देखें। मैं आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझा कर बताने वाला हूँ। थ्योरम में ये है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, अगर एक परपेंडिकुलर हम बनाते हैं फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट से ऑन हाइपोटेनस के ऊपर या वितीर के ऊपर, देन द टू ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल होंगे आर सिमिलर, वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एंड ईच ऑफ देम, और उनमें से हर एक इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल, और उनमें से हर एक ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो मैं आपको नक्शे के साथ इस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे नक्शा बनाया है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि यहाँ पे गिवेन है। गिवेन यानी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा थ्योरम में कहा गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, ये बड़ा वाला ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हूज, जिसका एंगल ए इज राइट एंगल। इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो या मुसल्लस में एंगल है, ये वाला एंगल जो यहाँ पर जो है ए पॉइंट पे जो एंगल बना है, ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है, जाविया कायमा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। एन फ्रॉम राइट एंगुलर पॉइंट ए, और राइट एंगुलर पॉइंट ए से जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का जाविया बना है या राइट एंगल बना है, उस पॉइंट को हम कहते हैं राइट एंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट पर 90 डिग्री या राइट एंगल बना है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये राइट एंगुलर पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए राइट एंगुलर पॉइंट है। इस राइट एंगुलर पॉइंट से ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेनस बी सी, इस पॉइंट से ए डी एक परपेंडिकुलर बनाए हैं या अमूद बनाए हैं, ये वाला लाइन ए से लेकर डी तक, ये वाला लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है या अमूद है, किस पर है? ऑन द हाइपोटेनस बी सी, बी सी पर, बी से लेकर सी तक ये जो लाइन है, ये पूरा बड़ा सा लाइन, ये है हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, उर्दू में वितीर कहते हैं, ठीक है। तो ये बी सी हो गया हाइपोटेनस, और राइट एंगुलर पॉइंट ए, और इस राइट एंगुलर पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर या अमूद बनाया ए डी, ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब तो आपको पता ही है कि जो लाइन सीधा खड़ा होकर दोनों तरफ राइट एंगल बनाएगा या दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो ये ए डी अमूद है, परपेंडिकुलर है, किस पर? हाइपोटेनस बी सी पर। ये सवाल में दिया हुआ था, ठीक है, या फिर थ्योरम में दिया हुआ था, ठीक है। और हमें अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, यानी हमें क्या साबित करना है? हमें ये साबित करना है, उसमें कहा गया था कि इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और वो ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एंगल डी बी ए, कौन सा एंगल डी बी ए? डी बी ए, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो बाएं तरफ है या लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड वाला छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। सिमिलर मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको अच्छी तरह से समझा कर बताऊँगा यहाँ पर कि सिमिलर मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, तो ये मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है।
तो अभी हमें फिलहाल ये देखना है कि क्या प्रूव करना है। तो हमें ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और एबीसी यानी बड़ा वाला ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसे ही हम एबीसी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी ये आपस में सिमिलर होंगे, ये हमें पहले प्रूव करना है। दूसरे नंबर पर एंगल ट्रायंगल डीएसी, डीएसी कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये राइट साइड वाला डीएसी, ये वाला ट्रायंगल जो राइट साइड में है या दाहिने तरफ है, ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एबीसी यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, आर सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये भी हमें दिखाना है, प्रूव करना है। और तीसरे में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डीबीए, ये लेफ्ट वाला डीबीए एंड ट्रायंगल डीएसी, डीएसी ये राइट वाला, ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, समझ में आ गया, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाना है नंबर वन, ये राइट साइड वाला ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल बड़े वाले के साथ हमें सिमिलर दिखाना है, ये दो नंबर। और तीसरे में ये दोनों ट्रायंगल जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है आपस में, इन दोनों को भी सिमिलर दिखाना है, ये तीन नंबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको सिमिलर का मतलब बताता हूँ, ओके। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सिमिलर का मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ठीक है। तो ऐसे तो सिमिलर का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन यहाँ जो मतलब है और जो मतलब हमें यहाँ पे काम में लगने वाला है, तो वो मतलब मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल है, दो मुसल्लस है, तो अगर उन दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में बराबर हो जाए, मतलब एक ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ अगर बराबर हो जाए, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से सुन ले कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल या तीनों जाविया दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग या उसी के जैसे जो एंगल है उन तीनों एंगल के साथ अगर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर का उर्दू में ऐसे मतलब होता है मुशाबहत या मसावी या मुतमासिल, भी ऐसा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहला जो प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब ये कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि इस ट्रायंगल का और बड़े वाला ट्रायंगल का तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। करते हैं हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, सबूत की तरफ। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है इसका मैंने छोटा सा यहाँ पे नक्शा बना लिया है, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है उसका भी मैंने यहाँ पे अलग से नक्शा बना लिया है। ऐसा नक्शा मैंने इसलिए बनाया ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। आप इसको चाहे बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आप यहाँ से देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने बना लिया है, हमारे लिए ईजी होगा। तो हमें सबसे पहले देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो डी बी ए है एंगल, इन ट्रायंगल डी बी ए एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिखाना है कि इसका तीनों एंगल आपस में बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हो जाता है तो सिमिलर हो जाएगा। सबसे पहले बात तो आप ये देखें, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक 90 डिग्री है, और हमने बताया भी था कि 90 डिग्री कौन सा है, ये पॉइंट ए में, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, मैंने यहाँ बाहर में लिख दिया। और उसके बाद आप देखिए इसका ये 90 डिग्री है, और इस ये जो यहाँ पे नक्शा में है ये ए डी क्या चीज़ है, ए डी परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे AD 90 बनाएगा और यहाँ पर भी AD 90 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला ये 90 डिग्री है और ये इस ट्रायंगल में है, छोटे वाले ट्रायंगल में ABD में है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर है ये 90 होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एक बराबर हो गया, ये भी 90, ये भी 90, इसको मैंने एक नंबर, इसको भी मैंने एक नंबर नाम दे दिया, ठीक है।
ये नंबर वन एंगल और ये भी नंबर वन एंगल, दोनों 90 करके दोनों बराबर है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। इसमें इसका नाम क्या होगा? बी डी ए, ये वाला एंगल का नाम होगा बी डी ए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एंगल बी डी ए, ये 90 डिग्री है, ये किसके साथ इक्वल होगा या बराबर होगा? इस ट्रायंगल के, इस एंगल के साथ बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है? बी ए सी, ठीक है। जो किताब में लिखा हुआ मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, मैं चाहे तो इस तरह भी लिख सकता हूँ सी ए बी, लेकिन आसानी होगी आपको किताब से भी समझने में, इसलिए मैं किताब वाला ही नाम लिख रहा हूँ। इसका नाम है बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों ही इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए दोनों आपस में बराबर। तो दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल देखिए कौन कौन सा बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस ट्रायंगल में जो है, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल का ए बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ए बी सी, और इस ट्रायंगल का वहीं वाला ए बी डी, ये दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा? यहाँ से आप देख ले, नक्शे से समझ में आ जाएगा। ए बी सी कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा, है ना, ए बी सी ये वाला एंगल होगा, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में। और यही वाला एंगल जब हम छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से इसको अगर हम पकड़े तो क्या होगा? ए बी सी के जगह में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लाइन सिर्फ छोटा हो जाएगा लेकिन यही वाला एंगल होगा, है ना। और हमें पता है कि एंगल में लाइन छोटा या बड़ा हो तो उससे एंगल कितना डिग्री वो चेंज नहीं होता है, इसलिए ए बी सी बोले तब भी यही वाला एंगल होगा, और ए बी डी बोले तब भी यही वाला एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल दोनों में सेम है, ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी है, इस ट्रायंगल में भी है ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाया अलग से, ए बी सी ये वाला एंगल और इसमें ए बी डी, ये दोनों एंगल सेम एंगल है, ठीक है। इसका मैं नाम दे दूँ टू, तो यहाँ पे एंगल होगा ए बी डी, इस ट्रायंगल का ए बी डी, ये किसके साथ इक्वल होगा? इसके साथ, दोनों सेम एंगल इसलिए इक्वल तो होगा ही, ए बी सी के साथ इक्वल होगा, ए बी सी के साथ इक्वल होगा, दोनों सेम एंगल है, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख लूँ, सेम एंगल, सेम एंगल, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल बराबर हो गया 90 90, फिर ये दोनों सेम एंगल है इसलिए दोनों भी बराबर हो गया, ठीक है। अब बचा तीसरा, तीसरा कौन सा? इसमें तीसरा ये वाला बचा एंगल, और इस ट्रायंगल में तीसरा जो एंगल बचा है वो ये वाला एंगल बचा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? देखिए स्टूडेंट, एक बात आप याद रखिए, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास और उनमें दो दो एंगल बराबर हो चुका है तो तीसरा वाला एंगल बराबर होना ही है, ये खुद ब खुद होगा, ठीक है। ये बचा हुआ एंगल जो ये बराबर होगा ही होगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं। जैसे मान लीजिए हमने दो अलग अलग ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें एक एंगल है, मिसाल के तौर पर ये 60 डिग्री है और ये मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक एक एंगल बराबर हो गया। फिर इसमें मान लीजिए ये 90 डिग्री है और इसमें ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो दो एंगल तो बराबर हैं, यहाँ भी 90 90, एक एंगल बराबर हो गया दोनों में और दूसरा एंगल हो गया 60 60, बराबर हो गया, ठीक है। अब बचा तीसरा एंगल, तो ये तीसरा एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़कर 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये बचा कितना, ये कितना होना चाहिए? 90 और 60 कितना होगा? 150 150, और 180 होने के लिए कितना चाहिए? 30 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये तीसरा एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, 90 60, और ये होगा 30। अब इसमें बताइए कि ये कितना होगा, यहाँ भी 90 60 है तो ये कितना होना चाहिए? इसमें भी तो तीनों जोड़कर 30 180 होगा, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। तो ये तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा ही होगा, है ना। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर दो एंगल बराबर है दो मुसलस में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक खुद ब खुद बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो यही वाली बात यहाँ पर भी हम इस तरह से लिखेंगे, जो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में एक 90 90 बराबर हो चुका है, एक ये वाला एंगल बराबर हो चुका है जो सेम था ए बी डी, और यहाँ पर ए बी सी, ये बराबर हो चुका है।
तो यहाँ जो बचा हुआ एंगल होगा इसका और इसका जो बचा हुआ होगा वो भी आपस में बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे, इस ट्रायंगल का ये बचा हुआ एंगल है इसका नाम क्या है, इस ट्रायंगल का जो ये बचा हुआ एंगल है इसका नाम है, ये वाला एंगल का नाम है बी ए डी, ठीक है, बी ए डी एंगल, बी ए डी इस ट्रायंगल के बचा हुए एंगल के साथ बराबर होगा इस ये वाला एंगल के साथ, इसका नाम क्या होगा, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए एंगल, बी सी ए एंगल, बी सी ए, ये दोनों क्यों बराबर, ये बचा हुआ एंगल है इसे हम लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग एंगल, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, दोनों ट्रायंगल में इसको हम नाम दे दे तीन नंबर, ये तीन नंबर, ये भी तीन नंबर, बस मैंने ऐसे ही नंबरिंग दिया है, ये वन वन दोनों 90 डिग्री बराबर हो चुका है एक एक एंगल, दूसरा एंगल बराबर हो चुका जो सेम था, और तीसरा जो बचा हुआ एंगल है दोनों में वो भी आपस में इक्वल हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है, तीनों जाविया है, इस ट्रायंगल के तीनों जाविया के साथ इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में बराबर हो गया यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। यानी पहला वाला हम ये लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल डी बी ए एंड ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल जिसे हम कह रहे हैं ए बी सी, आर सिमिलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। ये हमें नंबर वन में प्रूफ करना था, तो नंबर वन प्रूफ हो चुका है, नंबर वन प्रूफ्ड, इसे हम ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। अब इसी तरह से हम नंबर टू को भी प्रूफ करेंगे, तो अब नंबर टू को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट साइड वाला ट्रायंगल लेंगे डी ए सी, ये राइट साइड वाला ट्रायंगल डी ए सी, और ये ओरिजिनल ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो है ये राइट साइड वाला जो ट्रायंगल है डी ए सी, इसका हमने यहाँ पे अलग से नक्शा बना लिया है डी ए सी का, और ओरिजिनल ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी है उसका भी नक्शा हमने अलग से बना लिया है, इसे हमें समझने में ईजी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में भी हम इसी तरह से देखेंगे, इन यहाँ पे लिख ले अगेन, यानी दोबारा, या फिर अगेन इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल डी ए सी एंगल, इन ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल, ये ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या क्या बराबर होगा। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पे दोनों में एक 90-90 था, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ से हमने बताया था कि ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए डी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों 90 है। तो इसे सबसे पहले हम लिखेंगे, इस ट्रायंगल का 90 कौन सा है, ए डी सी, ये 90 है, ए डी सी एंगल, ए डी सी, ए डी सी, और इस ट्रायंगल का 90 कौन सा हो गया, बी ए सी एंगल, बी ए सी, ये दोनों आपस में 90 है, तो एक एक एंगल बराबर हो गया, नाम दे दें हम वन, एक एक एंगल बराबर हो गया वन वन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दोनों में और क्या बराबर होगा, तो यहाँ पे आप देखिए इस नक्शे से, यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए आप, ए सी बी, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, नक्शे से मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो एंगल है इस तरह से, ये वाला एंगल जो है ए सी बी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में है, और यही वाला एंगल इस दाहिने तरफ राइट साइड में जो ट्रायंगल उसमें भी है, उस वक्त इसका नाम क्या होगा, ए सी डी नाम होगा, है ना, बल्कि पूरा नहीं बल्कि डी तक ही, क्योंकि ये ट्रायंगल डी तक ही है, ए सी डी यहीं तक ये ट्रायंगल है। तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों में है, दोनों में सेम है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, उस वक्त इसका नाम है ए सी बी,
और ये ट्रायंगल दाहिने वाले राइट साइड वाले ट्रायंगल में भी है, उस वक्त इसका नाम क्या है, ए सी डी। ठीक है, तो ये एंगल दोनों में सेम है तो इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे नक्शे से तो यहाँ पर ये वाला एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल, और यहाँ पर वहीं वाला एंगल का नाम है ए सी बी। ये दोनों एंगल सी पॉइंट पर ही बना है और दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम एंगल है इसीलिए इक्वल होगा, बराबर होगा ही होगा। तो इसका नाम लिख दें, ये एंगल का नाम क्या हो गया, ए सी डी। इस ट्रायंगल में इसका नाम हो गया ए सी डी एंगल, बराबर होगा इसके, इसका नाम क्या होगा बड़े वाले ट्रायंगल में, ए सी बी एंगल, ए सी बी। ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल है, सेम एंगल। ठीक है, और इसके बाद जिस तरह हमने यहाँ पर बताया था दो दो एंगल बराबर हो चुके हैं, इसका हम नाम लिख दे टू, यहाँ भी टू, दो दो एंगल जब बराबर हो गया तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो भी आपस में बराबर होगा ही होगा, है ना। तो इसका बचा हुआ कौन सा, ये दोनों हो गया, ये बच गया, ये बराबर किसके साथ होगा, इसके साथ बराबर होगा। यहाँ पे ये जो बच गया ये तीन नंबर, ये भी तीन नंबर, तो इसमें इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, ये बराबर किसके साथ होगा, एंगल इसमें जो बचा हुआ है तीन नंबर ये वाला, उस वक्त इसका नाम है सी बी ए, ये वाला एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये दोनों बराबर हो गए आपस में। क्यों बराबर है, क्योंकि ये बचा हुआ एंगल है, रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल यानी बचा हुआ एंगल। तो हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में इसका तीनों एंगल और इसका तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे दो नंबर पे लिखा हुआ था यही वाले बात हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया, नंबर टू प्रूफ। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट अब हमारा जो बचा ये तीसरा प्रूफ, तीसरा प्रूफ में ये कहा गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर होगा। यहाँ से मतलब एंगल डी बी है ये लेफ्ट साइड वाला छोटा एंगल, और ये राइट साइड वाला जो एंगल है डी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, ये हमें दिखाना है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, वो कैसे है, यहाँ से देखिए आप, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है कि यहाँ से हम खुद यहाँ से हम देख ले, नक्शे से ही समझ में आ जाएगा। ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो लेफ्ट साइड में, ये हम प्रूव कर चुके हैं बड़े वाले के साथ सिमिलर है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे हम ये प्रूव कर चुके हैं ये राइट साइड वाला जो ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ प्रूव सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो ये लेफ्ट वाला भी बड़े वाले के साथ सिमिलर है, राइट साइड वाला भी बड़े वाले के साथ सिमिलर है। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी उसके जैसा देखने में, लेफ्ट वाला बड़े वाले के साथ जैसा देखने में सिमिलर है, और राइट साइड वाला भी उसके जैसे ही देखने में सिमिलर है। तो फिर वो दोनों भी तो आपस में देखने में एक जैसे ही होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का तीनों तीनों एंगल आपस में सिमिलर है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि ये पहली बात लिखना हमें, एक नंबर, चूँकि डी बी ए एंड ए बी सी ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड डी ए सी एंड ए बी सी आर सिमिलर टू ईच अदर। डी बी ए बी सी के साथ सिमिलर है, डी ए सी भी ए बी सी के साथ सिमिलर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, डी बी ए एंड ये
DAC are similar to each other. ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रूफ हो गया, नंबर 3 प्रूफ। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बिल्कुल आसान सा भी एग्जांपल आप ले लें। मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए, ये एक आदमी है और ये एक दूसरा आदमी है, ये इसके साथ देखने में सिमिलर है, सिमिलर मतलब आप समझ लीजिए एक जैसा देखने में है, ये इसके साथ एक जैसा देखने में यानी समझ लीजिए उसका कॉपी है, डुप्लीकेट है या जुड़वा जैसा देखने में है, और DAC भी ABC के साथ ही देखने में एक जैसा होगा, जुड़वा जैसे समझ लीजिए या एक जैसा देखने में, तो फिर ये दोनों भी तो आपस में देखने में एक जैसे होंगे, है ना, इसलिए ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। और मैथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका तीनों एंगल आपस में सेम है, फिर इसका तीनों एंगल आपस में सेम है, तो ज़रूर इन दोनों का भी वो तीनों एंगल आपस में सेम होगा, इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो ये तीसरा प्रूफ हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो स्टूडेंट्स आप कमेंट में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझ सके। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।